नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज मैं आपको एक नए तरीके के फल से परिचित कराना चाहूँगा। इस समय मेरे हाथ में है एक अजूबा फल जो कि उल्टे लट्टू की तरह लटका हुआ है। इसे रोज एप्पल कहते हैं, वाटर एप्पल कहते हैं, प्लम एप्पल कहते हैं, मलाया एप्पल कहते हैं और न जाने कितने नाम हैं इसके, और हिंदी में इसे गुलाब जामुन कहते हैं। बॉटनिकल नेम है सिजीजियम समरांजेंस। ये मिरिटेसी फैमिली का पेड़ है और फल है। और इसके कजिन कौन है आपको जानकर हैरत होगी, यूकिलिप्टस, गुआवा या अमरूद और जामुन इसके कजिन है। वो भी आप रोज एप्पल का पेड़ देख रहे हैं, 3 से 5 मीटर ऊंचा। इस वक्त इस पेड़ में एक क्रॉप फलों की लगी हुई है और फिर से इसमें फूल आ रहे हैं। मेरे हाथ में कुछ फूल हैं जो मैंने अभी ज़मीन से उठाए। आप देखेंगे, आपको इन फूलों को देखकर कुछ याद आया। जी हाँ, यूकलिप्टस के फूल भी ऐसे ही होते हैं, अमरूद के भी फूल कुछ ऐसे ही होते हैं और जामुन पर भी ऐसे ही फूल लगते हैं, क्योंकि रोज एप्पल, यूकलिप्टस, अमरूद और जामुन एक ही फैमिली से हैं, मिरिटेसी। तो एक तरीके से वो कजिन्स हुए। गुलाब जामुन के पेड़ पे देखें तो ये पेड़ कोई 5 से 6 मीटर ऊंचा और इस समय ये पूरी तरीके से फलों से लदा हुआ है। साल में 2 बार इसमें फल आते हैं, खास करके दक्षिण भारत और पूर्वी और पश्चिमी घाट्स में ये बहुतायत में पाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ नहीं मिलता, लेकिन बंगाल और आसाम में ये पाया जाता है। रोज एप्पल में बहुत सारे गुण हैं, रोगों के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए। इसमें सिर्फ 93% पानी होता है और बाकी 7% जरूरी मिनरल्स होते हैं जो स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और न जाने कितनी बीमारी के लोग इसे आराम से खा सकते हैं। रोज एप्पल का अपने खाने में हिंदुस्तान में इतना चलन नहीं है, लेकिन यूरोप में और बाकी जगहों पर रोज एप्पल की बहुत सारी डिश बनती है। ये फल कुछ ऐसे दिखते हैं, उल्टे लट्टू की तरह। गुलाब जामुन यूं कि रंग गुल जामुन की तरह होता है और खुशबू हल्की भीनी गुलाब। खाने में ये न खट्टा होता है ना मीठा होता है, ये बेहद फीका फल होता है। इसमें चूंकि 93% पानी है, इसलिए आप इसे ट्राई करें। इसे अगर लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अमरूद नॉर्थ इंडिया में होता है, जामुन भी होती है, तो ये भी थोड़े प्रयत्नों के साथ जैसे बिहार, झारखंड, उत्तराखंड आदि के इलाकों में ये आसानी से लगाया जा सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।